वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से व्लॉग में। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं और जो कंटिन्यू मुझे देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं गया था रिसेंटली मेघालय, जहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से जगह को एक्सप्लोर किया है। हालांकि वहाँ पर मैं बस दो ही दिन था, एंड नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो और ज़्यादा दिन स्पेंड करके और आप लोगों को भी दिखाने का कोशिश करेंगे वहाँ का खूबसूरती। ये दो तीन दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल किया, ऑलमोस्ट 80 आवर्स से भी ज़्यादा ट्रेवल किया, कम से कम 2500 किलोमीटर ट्रेवल किया हूँ। चैनल से आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हो मेरे घर पे डायरेक्ट मेघालय से यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं घर पे पहुँचा ना, इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके आऊँ मैं, और क्या क्या स्ट्रगल किया वह अभी आपको हमारे इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग को एक चीज़ बता दो, इस ब्लॉग में मैंने ज़्यादा बोला नहीं है, मोस्टली आपको सिनेमेटिक वगैरह ही देखने को मिलेगा। मैंने सोचा ट्राई किया कि सिनेमेटिक कुछ ना बोल के भी अपना ब्लॉग बना कर आप लोगों को दिखाए, एंड होप कि आपको पसंद आएगा। अभी तक जो भी हमने प्रॉब्लम फेस किया अपने घर पे आने तक का, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। भीड़ कल अपने साथ बहुत ही खतरनाक सीन हुआ। तो मेघालय से मैं निकला था 3 बजे करीब में, और 3 घंटे में मुझे पहुंच जाना चाहिए था गुवाहाटी, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, ट्रैफिक के वजह से 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा, और उसके कारण से मेरे जो कंफर्म टिकट ट्रेन था वो ट्रेन मेरे से मिस हो गया। कमख्या से था, बहुत बहुत कोशिश किया, बट जिसको मिस होना था तो वो तो हो ही गया ना। अवध असम ट्रेन में जा रहा हूँ, जो कि है बैलगाड़ी। सीन ऐसा कि कामाख्या में एक फेस्टिवल चल रहा था जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्रश थे, साथ ही साथ इस ट्रेन में एक ही जनरल बोगी दिया हुआ है, तो अभी ना स्लीपर में बैठ के जाना पड़ रहा है कुछ इस प्रकार से। अब पता नहीं ये कैसा रहेगा हम लोगों का ये जर्नी। लेट मी सी, आदमी लोग नहीं दिखाए ना इसलिए थोड़ा ऊपर किसी ने भीड़ दिखाई देगा, हो जाएगा यार भीड़ क्या दिखाएगा, बहुत दिक्कत है। कल रात से पूरा यही विंडो डोर के सामने में खड़ा रहकर अभी तक आए, और देखते हैं कि अब कहीं सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले मेरे सिस्टर ने क्योर स्किन एप्स का यूज करके वहां से डॉक्टर के साथ फ्री कंसल्ट किया, एंड अपने चेहरे में जो भी प्रॉब्लम था उसके मुताबिक एक कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, और उसी को देखा देखी मैंने भी अपना पर्सनल कस्टमाइज प्रोडक्ट में ऑर्डर कर दिया, और ये रहा मेरा प्रोडक्ट। इसको मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, एंड मैंने साथ ही साथ ये भी मेंशन किया था कि उस एप्लीकेशन में आपको हर महीने डॉक्टर के साथ फ्री कंसल्ट मिलता है। और जब मैं मेघालय टूर पे था तो मुझे डॉक्टर का कॉल आया, स्किन के इम्प्रूवमेंट को लेकर हमने काफी देर डिस्कस किया, और उन्होंने मेरा इम्प्रूवमेंट के बारे में जब बताया तो मेरा लाइक पूरा शॉक वाव वाला फील आ गया था। एंड ये रहा मेरा पहले का फोटो, देख सकते हो कुछ इतने सारे डार्क सर्कल थे, और अभी का देखो कितना ज्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ ना। ये जो क्योर स्किन एप्स है ये एक AI बेस्ड एप्लीकेशन है। मेरे चेहरे में अभी तक जो भी इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं इसका सबसे मेन कारण ये है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है कस्टमाइज प्रोडक्ट आपके चेहरे के मुताबिक, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर डाइट प्लानिंग भी दिया जाता है और काफी सारे टिप्स वगैरह भी देता है, जिससे आपके चेहरे में इफेक्ट काफी ज्यादा होता है और चेहरे का एकदम ग्लो भी होता है। एंड एज यू नो कि मैं मेघालय ट्रिप में गया था तो वहाँ पर काफी ज्यादा वेदर फेस का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बट स्टिल मेरे चेहरे में ग्लो देख रहे हो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योर स्किन एप्स। स्किन है कोई मजाक नहीं, ये बात सीरियस है, आप अपने चेहरे के साथ कभी मजाक नहीं कर सकते, और मैं चाहता हूँ कि आप करें भी ना। अगर आप चाहते हो कि आप भी इस एप्लीकेशन का यूज करके अपने चेहरे को और भी ज्यादा ग्लो, हैंडसम और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कुछ ऑफर देख रहे हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, Azmin100। सिर्फ घुसने दीजिए ना, सिर्फ Thank you.
23 आवर्स कुत्तों वाले जर्नी करके फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं देवरिया सदर। और एक गलती नहीं बोल सकते, ट्रैफिक की वजह से मैंने अपना ट्रेन मिस किया, उसके वजह से मैं लेट भी आया और साथ ही साथ इतना बुरी हालत से है, इतना कैसे करके आप समझ भी नहीं आ रहा। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स ही मैं ट्रेवल किया हूँ, वो भी जनरल में क्या ही बुरी हालत होती है, ज़्यादा ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना पाया। एंड अभी तक आप लोगों को मैंने बताया नहीं कि मैं यूपी किस लिए आया हूँ, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और साथ ही साथ एक और फेक चीज़ कि मैं यूपी तो आ चुका हूँ एंड 3 घंटे बाद मैं फिर से यहाँ से वापस जाऊँगा अरुणाचल के लिए, अपने घर के लिए। कौन है ये साथ में वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर आया तो सबसे पहले मैं गया खाना वगैरह खाने के लिए। काफ़ी ढूंढा तो कुछ मिला नहीं, तो सबसे अच्छा मैंने ट्राई किया बिरयानी खाया और उसके बाद और सोचा कुछ लूँ तो नहीं मिला, छोड़ दिया। तो अभी चलते हैं सबसे पहले अपने वो शख्स के पास जिनको यहाँ से लेकर जाना है। यूपी आया इसीलिए क्योंकि मुझे लेके जाना है आयान को अपने नानी के घर पे। नानी के घर जाना है? क्यों जाना है? क्यों जाना है नानी के घर? एक बार पे? एक बार चिप्स अभी कर देंगे। अभी 3 घंटे बाद ट्रेन आएगा हमारा, सेम आवर द सेम ट्रेन, उसी ट्रेन में बैठ के हमें वापस जाना है अपने घर के लिए। अभी जस्ट ट्रेवल करके आया हूँ और फिर ट्रेवल करके जाना है नॉन स्टॉप। अभी तो टोटल 36 आवर का जर्नी रहेगा, 24 आवर्स कंप्लीट हो चुका है, 36 आवर का जर्नी है, लेट से क्या होगा। तो इसको अभी यहाँ पर रखते हैं, सबसे पहले जाके आते हैं थोड़ा सा नहा धोवा के लिए आते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदा हाल हो गया ना यार। ओ बिस्कुट आ गया। गरम है समोसा अंकल, देख लो तो छू ले। कैसे करके 20 का दो दे दीजिए, तू पैसा निकालो, मेरा पर्स नहीं है, पर्स उधर में ही है। अभी कौन सा स्टेशन आएगा अंकल? लो यान आज इधर बैठ के खाओ आराम से, मर्चा नहीं खाएगा खाओ। रहने दो उसमें, रहने दो। निकल। हेलो खाओ, मदद कैसा लग रहा है? टेस्टी लग रहा है। ₹100 रखिए, ये है ₹60 दर्जन, वो है ₹40 दर्जन। ऐसा कारण क्यों अंकल? 13 पीस मिल गया, लो। ये लो पैसा। हाँ क्या थी, क्या खाएगा? ट्रेन से मैं आया था गुवाहाटी से देवरिया तक, उसी ट्रेन से अभी फिर वापस मैं जा रहा हूँ देवरिया से, नींद टूट चुकी है। और ये जो ट्रेन है कल रात 2 घंटे ऑलमोस्ट पूरा लेट है, और अभी सुबह हम लोगों का हो चुका है, जस्ट फ्रेश ऑफ हुआ, ब्रश वगैरह कर लिया और अभी तक कुछ खाया नहीं, जस्ट अभी बनाना लिया, बनाना खाएंगे उसके बाद, और तो कुछ खाना नहीं है क्योंकि मैं ट्रेन में ज़्यादा खाता नहीं, बट आयान के लिए कुछ ना कुछ खरीदते हुए लेके जाते रहेंगे। एंड फिलहाल इस वक्त हम लोग हैं बरौनी जंक्शन में और अभी बज चुके हैं 9:48, 2 घंटा जैसा ट्रेन लेट चल रहा है। स्टेशन में आपको तो हर जगह ऐसा टेप दिख जाएगा, बट ये पानी ना इतना हेल्दी नहीं होता है, अजीब सा होता है। तो मैं जा रहा हूँ अभी बोतल फिल करने के लिए, मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं, ये ₹10 में पूरा 2 लीटर बोतल फिल हो जाएगा, आई होप कि मिल जाए। काफ़ी सारे स्टेशन में तो आपको देखने को मिल जाता है जो पानी एकदम चिल्ड वाला पानी मिलता है ना, अभी ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, आगे की ओर चलते हैं।
मिल गया भाई, मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा जल्दी चल दीजिए। कितना हो गया इसका भैया? 10 रुपये में 2 लीटर ना। ये पानी सबसे बेस्ट है, जैसे बाकी जो टेप वाले ना वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ये थोड़ा फ्रेश रहेगा। वाह ठंडा है ना कल जी? और ये देखो भाई क्या क्या मशीन लगा के रखे हैं भैया जानते हैं। ये कैसे अंकल? हाँ खाना। हाँ बिरयानी कतो? 50। कितना? 100। हाँ किसो कुछ दिनों से इतना ज़्यादा ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा हूँ ना कि अपना जो शरीर ए से ना आराम से ना सी बन चुका है। इतना ज़्यादा थकान, इतना ज़्यादा थकान, तुरंत आँख लग जाता है। और अभी अचानक आँख खुले तो हम लोग पहुँच चुके हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी हम लोग 2 बजे पहुँचे हैं, तो यहाँ से हम लोगों का 300 ऑलमोस्ट 12 आवर्स लगेगा। अगर सही समय में चलता है ना ये ट्रेन तो हम लोग अपना एक बस मिलता है हम लोग के घर तक पहुँचने वाला 1 बजे करीब में, वो डायरेक्ट घर तक पहुँचाता। अब लेट के कारण से हमें 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा, जो कि आधा रास्ते तक पहुँचाएगा हमें। फिर वहाँ से घर से किसी को बुलाना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा। ऐसा है ट्रेन अगर सही समय चलने से ना कितना फ़ायदा होता है। काफ़ी ज़्यादा खुजली भी हो रहा है, नहाया फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर देखो लोग कैसे शोर, कितना डिफिकल्ट ना। अब यहीं पर ऐसे बैठा हुआ थोड़ा देर बैठेंगे, ट्रेन निकलता है तो उसके बाद फिर अंदर जाके वही सेम गर्म वाला हवा लेंगे। एंड फाइनली हम लोगों का इस ट्रेन का जर्नी ख़त्म हो रहा है, तो ये हम लोगों का लास्ट स्टॉपेज एंड हियर इज आवर रेलवे स्टेशन न्यू तिनसुकिया जंक्शन। भाई ये ट्रेवल जर्नी ना हमेशा याद रहेगा, ये वाला भी इससे पहले जो मैं गुवाहाटी से यूपी गया था वो वाला तो और ज़्यादा याद रहेगा। इसके लिए मैंने ब्लॉग्स वगैरह भी बनाए, हालांकि ज़्यादा बना नहीं पाया क्योंकि जो सिचुएशन से मैं जा रहा था ना वो मुझे ही पता है कैसे हालत हो रखा था। चलो नामते यहाँ से और जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से पुराना रेलवे स्टेशन। चलो जल्दी जल्दी जाना है अभी। नहीं उठा के तुम लोग चलते रहो, जल्दी जल्दी निकलना अभी रेलवे स्टेशन, वहाँ जाना पुराना रेलवे स्टेशन। चलो हाँ भाई, खुद को यकीन नहीं हो रहा कि ये ट्रेन एकदम टाइमिंग से पहुंचा हुआ है, 2 या 3 मिनट लेट हुआ होगा। अभी हमें जाना यहाँ से पुराना रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर एक अंकल जी है जो कि जाएगा हमारे घर तरफ, उनको मैंने फ़ोन किया और बताया कि हम लोग एकदम टाइमिंग से पहुँचने वाले ट्रेन से।
तो वो यकीन ही नहीं कर रहे, वो बोले 2 बजे आएंगे मतलब इतना नाम खराब है इसका, बट आज इसने प्रूफ कर दिया कि हाँ सही समय पर। तो उधर से चलो साइड से, तो अभी जल्दी चल चलते हैं अंकल के पास, वो भी 1 बजे तक रुकेंगे ऐसे कहा है। और देखो काफ़ी सारे लोग नाम चुके भाई, अभी ऑलमोस्ट ट्रेन पूरा खाली हो चुका है। क्या हो गया? एकदम समय से हम लोग पहुंच चुके हैं एंड अभी हमें गाड़ी भी मिल चुका है और हमें जाना है अभी इस विंगर से। काफ़ी ज़ोर से भूख लगा हुआ है, तभी खाना खाने का तो समय है नहीं बिल्कुल भी, तो हमने अभी लिया है 2 गिलास सतुआ, 1 गिलास मैं पीऊँगा और 1 गिलास दीदी के लिए। हो गया अंकल जी? हाँ बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ भाई, पूरा सर घूम रहा है, इतना लंबा सफ़र करना भाई आसान नहीं है और अभी शरीर अप एंड डाउन हो रहा है। डिलीवरी बॉय कुछ तो दे दीजिए, वो डिलीवरी बॉय कुछ तो लाए है ना, वाटर बोतल। चलो चलो घर चलो पहले, बेचारा वाटर बोतल। और इधर सकीना खाला अयान को ले चुकी है सेम सेम कपड़ा। डिलीवरी बॉय आ चुके, मतलब मेरे मामा ही, तो डिलीवरी बॉय का पूरा बैग कुछ तो लेके आए होंगे डिलीवरी बॉय ना, पंखा इतना बड़ा बैग दिख रहा है, क्या क्या लेके आएगा बताओ। कोई बात नहीं, अभी घर का अंदर चले भाई, 72 आवर्स से भी ज्यादा ट्रेवल करके घर पहुंच गया, ऐसे वाला फील हो रहा है। फाइनली अभी आ चुके हैं हम अपने घर पे और अभी जितने भी जंगली वाले हालत देख रहे हो अपनी शक्ल पे ना, इसको जल्दी से जल्दी एकदम हैंडसम वाला शक्ल बना लेते हैं। काफ़ी अजीब सा शक्ल देख रहा है, मुझे खुद को देख के अजीब सा लग रहा है, नींद भी पूरा नहीं हो रहा था, आधा अधूरा नींद, जब नींद आता है तब कुछ ना कुछ चैंस ट्रेन का, तो हाल जो ट्रेवल किया उनको पता ही होगा। तो अभी यहाँ पर जो भी सामान अपना पहनना है, अभी नहा धो के कपड़ा निकाल लेता हूँ और जो जो धोना है वो भी सब निकाल लेता हूँ अभी करेंगे, वैसे बाद में ना आलसी जैसा लगेगा, अभी आए जस्ट तो सब जल्दी से खा लेते हैं। खा लो जल्दी, खा लो, सबको खा रहा है, खा लो जल्दी। बाद में किसका था? नहीं खाएगा जी, खा लो वीडियो बना रहे, जल्दी खा लो वीडियो बना रहे, जल्दी खा लो, पानी पिए बोल रहे, पानी पिलाएगा। को वीडियो नहीं बनाना, खाला खाला जल्दी खाला, वीडियो बना जल्दी, खा लो खा लो, नाना का से नहीं खा रहा है, मम्मी का साथ ही खाएगा। जा अंकल के पास जा, भाग रहा है, भाग रहा है लड़का, भाग रहा है, खाने का मन नहीं है इसका, मीट नहीं खाता है, शाम को पूरी खा लिए ना, अभी अपना खाना पीना भी हो चुका है और आज अपने घर पे बना था एकदम मस्त चिकन और काफी दिनों के बाद अपना हैंडसम रोटी खाया, काफी ज्यादा खा दिया भाई, अब कितना बताऊंगा नहीं पर बहुत ज्यादा खा दिया। तो अब चलते हैं घर सोने के लिए क्योंकि काफी ज्यादा थका शरीर भी हो रहा है और थका नींद भी बहुत ज्यादा रहा है। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।